अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मैंने जिल्द कर ली हैं दोनों ही। तो ये देखें, इसकी तफसील जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि अगली वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इसके ऊपर जो है ना कितनी लागत आती है, कितना खर्च आता है, और ये आप कैसे जल्द कर सकते हैं और कितना मुनाफा है इसमें। तो ये आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। बरसात के जो है ना दिन वो चल रहे हैं, ये देखें, इसमें एहतियाती तदबीर भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और सबसे जो है ना मेन मसला सुबह सुबह हमें देखने को ये मिला है, इसका नुकसान होता है छत को, क्योंकि छत हमारी जो है ना ये है कच्ची, पानी इसका पानी उतारना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। अब ये अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूवर्स को खुश रखे। इस दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो हमारे यहाँ रात से चल रही है बारिश, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और सुबह फजर के बाद जो है ना बिजली इतनी ज़्यादा ज़ोर से कड़की है ना कि ऐसे लगता था कि अभी किसी जगह पर गिरी होगी। यकीनन हो सकता है, हो भी सकता है किसी जगह पर गिरी हो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मज़ीद आगे वीडियो में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, बच्चा लोग जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं और बरसात के जो है ना दिन वो चल रहे हैं, ये देखें, इसमें एहतियाती तदबीर भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है ना अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो ये देखें, ये कैसे रात से बारिश चल रही है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे रात को बरसात हो गई है, पौधे वगैरह अच्छी धुल गई है। और सबसे जो है ना मेन मसला सुबह सुबह हमें देखने को ये मिला है, हमारी छत का जो है ना इस छत का परनाला वो बंद हो चुका था, उसको मैंने खोला है और अब इस छत का जो है ना वो परनाला बंद हो चुका है। इसकी एक निशानी ये होती है कि जिस छत का परनाला बंद हो गया हो ना उसकी निशानी ये होती है कि उसमें से पानी जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ऐसा से टपकता रहता है, अपनी स्पीड से नहीं चलता। जिस तरह बारिश आती है पानी स्पीड से चला और रुक गया, उस तरह नहीं होता। इसमें से जो है ना हल्का हल्का ये देखे पानी टपक रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी छत जो है ना ये बंद हो चुकी है। और ऊपर जाकर मैं दिखाता हूँ आपको, मनूर फातिमा जो ऊपर जा रही है, मनूर फातिमा क्या हुआ? तो ये देखें, ये हमारी छत के ऊपर खड़ा है पानी, इसका जो है ना ये परनाला बंद हो गया। इसके आगे जो है ना ये हमारा कीकर है ना, कीकर की फलियाँ वगैरह पत्ते वगैरह आ जाते हैं। तो अब ये देखें पानी कैसे ज़ोर ज़ोर से चल रहा है, तो ये पानी सारा निकल जाएगा, इसका नुकसान होता है छत को, क्योंकि छत हमारी जो है ना ये है कच्ची, कानों की जो बोलते हैं ना यानी कि देसी टाइप की छत है, तो ये पानी खड़ा रहने की वजह से खराब हो जाती है। इसलिए जो है ना इसको पानी, इसका पानी उतारना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। अब ये देखें ये पानी कितना चल रहा है। और मोहम्मद अंस और मानूर ऊपर खड़े हैं क्योंकि ये देखें, ये हमारा है किचन, किचन जो है ना इसके अगर ऊपर पानी खड़ा होगा तो फिर अंदर जो है ना इसके सारा पानी टपकना शुरू हो जाए, कच्ची छत का ये मसला होता है, इसलिए जो है ना इसको पानी उतारना ज़रूरी था। तो हाँ, ये आप जो है ना इसकी परेशानी, उम्मीद है ये अब थोड़ी सी बरसात हो इस वक्त चल रही है, लेकिन फिर भी जो ना वो पहले वाली परेशानी नहीं है, जो पहले परेशानी थी ना अब उतनी परेशानी नहीं है। अब जो पानी आएगा ना जो साथ के साथ पानी नीचे आता जाएगा। तो हमारी यूपीएस की बैटरी जो है ना ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल खाली हो चुकी है और ये इंडिकेटर चलना शुरू हो गया है क्योंकि रात से लाइट बंद है। लेकिन थोड़ा सा अभी यूपीएस जो है ना ये इसके सेल फुल है, तो इसलिए मोबाइल को आप लगाते हैं चार्जिंग पे, तो इसके बाद जो है ना फिर आपसे गपशप लगाते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज हो जाता है क्योंकि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लाइट का कहीं तो बाहर नहीं है, फिर ब्लॉग तो बनाना ही होता है, इसलिए मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। तो मोबाइल को चार्ज हो गया हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है पानी शॉप खोलने से पहले जो है ना सबसे पहला काम जो है वो हम करते हैं कि अपना जो है ना ये कूलर रखा हुआ है, कूलर को पानी से भरते हैं। इसकी जो टूटी है ना वो होगी ख़राब, ये देखिए इसको पीछे करके जो है ना रखना पड़ता है। अगर इसको यहाँ पे रखते हैं ना तो ये देखें पानी इसमें से चलना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल बंद नहीं होती, पानी ज़ाया होता है क्योंकि ये रखना हमारी मजबूरी है। दोपहर को गाहक वगैरह बच्चे वगैरह आते हैं तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनको पानी पिलाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए ठंडा पानी हम रखते हैं। तो ये देखें ये पानी ज़ाया होता है, इसलिए इसकी टूटी जो है ना इसको चेंज करते हैं। ये टूटी है नई, तो ये इसको फिट करते हैं। ये तो टूटी हमने लगा दी है, अब ये देखें पानी ज़ाया नहीं होगा। अब चलते हैं इसमें ताज़ा
पानी भरते हैं और इसमें बर्फ़ डाल कर रख देते हैं ताकि बच्चे वगैरह दोपहर को आएंगे तो वो पानी पियेंगे, गाहक वगैरह तो दुआएं देंगे। कूलर पानी का भर के इसमें दो कोले बर्फ़ डाल दी है और मैंने सोचा कि बाकी कोई काम हो ना हो तो ये काम तो ज़रूरी होना चाहिए, ये काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि बरसात अभी जो है ना वो चल रही है और बरसात में बाकी को काम हो या ना हो लेकिन नेकियों का काम जो है ना वो चलता रहना चाहिए। शायद इसी नेकी के सदके जो है ना अल्लाह पाक हमारी बख्शिश कर दे। अब जो हमारा काम करने वाला है ना, ये किताबें जल्द करनी हैं, इनको जल्द करते हैं क्योंकि बच्चा लोग आने वाले हैं, बरसात में बच्चे स्कूल तो नहीं जाने वाले हैं लेकिन फिर भी जो है ना हमें किताबें तो जल्द करनी हैं क्योंकि बच्चे देकर गए हैं, तो इसलिए इनको जल्द करते हैं। और ये बेगम साहिबा जो है ना ये सिलाई कढ़ाई करती रही हैं और ये यहीं पे जो है ना कल का इनका सामान पड़ा है और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेगम साहिबा जो है ना वो ये सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, फारिग टाइम में वो बैठी रहती हैं क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ ना रिक्शा लेकर तो उस वक्त वो शॉप पर बैठती हैं और गाँव में तो फिर ऐसा सोचा जाता है, गाँव का माहौल वो शहर जैसा नहीं होता तो बिल्कुल बाइज़त तरीके से वो हमारा गांव का माहौल है, लेकिन गांव हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही अच्छा गांव के बहुत लोग अच्छे हैं तो इसलिए जो है ना ये निज़ाम चल जाता है। ये शॉप पे बैठ के सिलाई कढ़ाई जो है ना वो करती रहती हैं और आप भी इसके नीचे जो है ना ये उन्होंने शुरू किया हुआ है क्रेशिये की मदद से इसकी ये कढ़ाई कर रही हैं, ये पहले ये बनाया है और इसके बाद अब ये नीचे जो है ना ये किनारी बना रही हैं। किताबों को जल्द करने के लिए हमें चाहिए ये एक गत्ता, कार्डबोर्ड का एक गत्ता होता है और ये एक आर चाहिए, एक और ये सुई और धागा हमें चाहिए और एक इसके लिए ये टेप चाहिए। ये सिर्फ ये चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके साथ हमें चाहिए एक अदद कैंची, कैंची हर घर में अवेल होती है। तो किसी दिन हम इस टॉपिक पे मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि किताब कैसे जल्द करती है और इस पे लागत कितनी आती है और इस पे जो है ना टोटल खर्च भी बताएंगे और बचत भी बताएंगे। तो ये भी बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, ये मैं भी काम करता हूँ और मैं अगर घर पे मौजूद ना हूँ तो बेगम साहिबा भी वो जल्द कर लेती हैं किताबें और बच्चों की किताबें जो है ना वो अक्सर सारा साल ही तकरीबन जल्द करने वाली आती रहती हैं। तो इसलिए जो है ना ये घर बैठी बिठाई जो औरतें ना वो काम आसानी से कर सकती हैं। तो इस टॉपिक पे हम किसी दिन मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मैंने जल्द कर ली हैं दोनों ही। तो ये देखें, इसकी तफसील जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि अगली वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इसके ऊपर जो है ना कितनी लागत आती है, कितना खर्च आता है और ये आप कैसे जल्द कर सकते हैं और कितना मुनाफा है इसमें, तो ये आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएँगे। तो बेगम साहिबा माशाल्लाह से उठ खड़ी हुई हैं, 7:30 का टाइम हो गया है और आज लगता है बेगम साहिबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हो गया? क्यों? असल में ना रात को हम सोए थे बाहर यहाँ सेन में और रात को जब एक दो दफ़ा उठकर बंदा उठ जाए ना, आंख खोल जाए तो रातें छोटी हैं तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती, इसलिए कुछ मसला हो गया होगा तो थकान महसूस हो जाती है। हाँ तो दुआ फातिमा भी आपके पीछे पीछे उठ खड़ी हुई है, वो भी आ रही है। दुआ फातिमा देखिए, ये माशाल्लाह से आप इसने ना जो चलना शुरू कर दिया, आपने आप चलना शुरू कर देती। मोहम्मद अंस छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अपने आप आएगी। आ जाओ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो ना ये अभी सिर्फ फर्श के ऊपर जो है ना पानी है ना तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, नहीं तो ये दोपहर को जो है ना दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलती है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो भागना शुरू कर दिया है इसने। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले व्लॉग के लिए हमारी वीडियो का करते रहिएगा इंतज़ार और वीडियो देखने से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।